हेलो दोस्तों, डीजे बजना चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह 32 चैनल का मिक्सर है, यामाहा का 32 चैनल मिक्सर है, जिसका मॉडल नंबर है MG32/14FX। इसमें 14 इफेक्ट्स दिया हुआ है दोस्तों। यह 1 चैनल का वॉल्यूम है जो कि फेडर में है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बटन हैं जो स्टीरियो, वो 1, 2, 3, 4 जैसे ऑप्शन मिलते हैं इस बटन में। ये ऑन का बटन है, ये बैलेंस नॉब है, ये लेफ्ट चैनल और इधर राइट चैनल, बीच में बैलेंस रहेगा। ये वाला बटन ऑक्स 5 और 6 के लिए है। ये इफेक्ट्स का नॉब है और ये इफेक्ट्स का दूसरा नॉब है। ये ऑक्स 4 का नॉब है, ये ऑक्स 3 का नॉब है, ये ऑक्स 2 का नॉब है, ये ऑक्स 1 का नॉब है, ये लो यानी बेस का नॉब है, ये हाई लो मिड का नॉब है, ये हाई मिड का नॉब है, ये हाई का नॉब है यानी ट्रेबल का नॉब है, ये गेन का नॉब है जिससे गेन बढ़ता है और कम होता है। इसी तरह पूरा चैनल है, इसी तरह का सारा 32 चैनल तक है, गिन सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ये पूरा 32 चैनल का मिक्सर है यामाहा का। इधर देख सकते हैं इफेक्ट्स के लिए है, ये सब सारा 16 पीस इसमें इफेक्ट्स है। ये नॉब है इफेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, लेफ्ट चैनल, ये राइट चैनल का नॉब जिसमें इफेक्ट्स कंट्रोल होता है और इसमें परसेंटेज दिया जाता है कितना रखना है इफेक्ट्स। इसमें इफेक्ट्स में ऑक्स के लिए नॉब दिया हुआ है कि ऑक्स में इफेक्ट्स को बंद चालू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इफेक्ट्स का ऑन स्विच है, ये इफेक्ट्स का वॉल्यूम है, फेडर वॉल्यूम। ये इसमें ग्रुप का ऑप्शन है, 4 ग्रुप का ऑप्शन है, ये 4 ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम फेडर में, जिससे ये 4 ग्रुप कंट्रोल होगा। और ये उसका बैलेंस नॉब है। इधर वाला ऑडियो रिटर्न के लिए है, 2 ऑडियो रिटर्न के लिए दिया हुआ है, 2 चैनल। ये दूसरे वाले में LED इंडिकेटर दिया हुआ है मोनो और स्टीरियो के लिए, देख सकते हैं। ये ग्रुप का वॉल्यूम नॉब है, ये भी ग्रुप का ही वॉल्यूम नॉब है। ये मोनो कंट्रोल वॉल्यूम नॉब है, मास्टर का मोनो आउटपुट, ये स्टीरियो आउटपुट है मास्टर चैनल का। इसमें बहुत सारे नॉब और बटन दिए हुए हैं इस मिक्सर में। ये LED इंडिकेटर है, साउंड आउटपुट को दर्शाता है। ये स्टीरियो इंडिकेटर दिया हुआ है और PFL और AFL इंडिकेटर भी इसी में है। मिक्सर का व्यू देख लीजिए। आइए इसको आप पीछे तरफ से दिखाते हैं, कितना सारे इनपुट नॉब दिए हुए हैं, जैक में है और XLR में भी है, देख सकते हैं। एक चैनल में इनसेट दिया हुआ है, AB इनसेट है जो कि जैक में है, और माइक इनपुट के लिए इनपुट A दिया हुआ है जो XLR में है। इसी तरह सारा
चैनल में दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये 24 तक ले मोनो इनपुट है, बाकी 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक ये स्टीरियो इनपुट दिया हुआ है, जो कि दो चैनल को मिला के स्टीरियो बनाया गया है, जैसे 25, 26, 27, 28 इसी तरह। ये रिटर्न के लिए है, देख सकते हैं, रिटर्न वन का, रिटर्न टू का। ये सेंड के लिए है, ऑक्स में और ऑक्स आउटपुट है सेंड के लिए। ये ग्रुप इनपुट है और ग्रुप आउटपुट है जैक में। ये स्टीरियो प्रॉब मास्टर चैनल है, ये इंसर्ट स्टीरियो में है और स्टीरियो सब आउटपुट ये है। और ये फुट स्विच है, ये मोनो मास्टर आउटपुट है एक्सएलआर में, ये स्टीरियो आउटपुट है मास्टर का। ये पूरे चैनल एक्सएलआर आउटपुट है। ये पावर स्विच है, बहुत ही हैवी है, पूरा लोड कंट्रोल होता है। ये पावर केबल है, ये भी बहुत हैवी क्वालिटी का दिया हुआ है, इतना बड़ा मिक्सर को हैंडल करने के लिए। देख सकते हैं, यामाहा का 32 चैनल मिक्सर, जिसका मॉडल नंबर है MG32/14FM। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए बंदे चैनल को सब्सक्राइब करें।